हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे 13,000 से भी ज़्यादा बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट चैनल पे जुड़े हुए हो। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी पे आके सारे के सारे मेरे जो लाइव लेक्चर्स है वो फ्री में आप लोग देखो। यहाँ पे जो है हम लोग नीट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी टॉपिक कवर कर रहे हैं मेरे लाइव लेक्चर में, जो कि 100% फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 17 जुलाई को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, तो इसके जो हॉल टिकट है उसके बारे में आज एक अपडेट देखेंगे। साथ ही में 17 जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले एग्ज़ाम का एक अलग ही एंजाइटी रहता है, प्रेशर रहता है। बहुत बच्चे वीडियोस देखते हैं कि कैसे प्रेशर को हैंडल करें ये वो, उससे अच्छा आप एक काम करो, सीधा सीधा जाके एक ऑफलाइन टेस्ट दो। तो कहाँ पे दोगे? अनअकैडमी ने यहाँ पे आपके लिए वो भी ऑर्गेनाइज किया है, ऑफलाइन टेस्ट अक्रॉस द 40 सिटीज़। यहाँ पे आप 40 सिटी में अगर रहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो सिटीज़, तो वहाँ पे जो है अनअकैडमी की तरफ से टेस्ट ऑफलाइन ऑर्गेनाइज किया है, सिमिलर एज ए नीट। 199 रुपीज़ फीस है उसका, और वहाँ पे जो है आपको अनअकैडमी का टी शर्ट भी मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया रैंक मिलेगा, सेम एज ए नीट, सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट आएगा 13 जून को, एग्ज़ाम रहेगा 4 और 5 जून को, ठीक है। तो जो है आज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हॉल टिकट कब रिलीज होने वाला है, आपके जो एडमिट कार्ड है नीट के कब आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है आपके रिलीज हो सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। एनटीए के ऑफिशियल्स ने बोला है कि सारे के सारे प्रोसेस रेडी हो चुके हैं, बस अलाइनमेंट करने के बाद आपको जो है हॉल टिकट आपने अपने ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। साथ ही में आपको जो है एनटीए के वेबसाइट पे भी आके लॉगिन करने के बाद वहाँ पे हॉल टिकट का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर हम लोग अगेन एक वीडियो बनाएंगे। बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कितने चांसेस है, ठीक है। तो सीबीएसई का एग्ज़ाम चालू है, तो आप सबको पता है, तो सीबीएसई के एग्ज़ाम के कारण, बाकी के एग्ज़ाम के कारण, या फिर जेई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया उसके कारण, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स अभी तक जो लास्ट स्टेटमेंट है वो वही है कि सारे के सारे सेंटर अलाइन है, आपके हॉल टिकट्स रेडी है, सब कुछ जो है टाइमली किया गया है, तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का चांसेस 1% है। 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे। तो अभी आपका डिसीजन 1% को लेके उम्मीद बैठो, या फिर 99% को देख के जो फेस है, जो सच्चाई है, उसको फेस करो और अपना अपना पढ़ाई करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे आके नीट का डेमो टेस्ट भी दे सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज।